हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में फ्लैट स्लैब के बारे में कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, और हमने ये भी देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं वाइल डिज़ाइनिंग अ फ्लैट स्लैब। उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली, उसी मेथड के अकॉर्डिंगली हम आज इस वीडियो के अंदर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने टेक्निकल सिविल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, डिज़ाइन एंड इंटीरियर पैनल ऑफ अ फ्लैट स्लैब ऑफ पैनल साइज 4.5 मीटर बाय 6 मीटर। आपको पैनल साइज गिवन है। अब पैनल क्या होते हैं हम आपको बताएंगे विद फिगर। ठीक है, और दो टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए वो है मिडल स्ट्रिप क्या होती है और कॉलम स्ट्रिप क्या होती है, ये भी हम देखेंगे विद फिगर विद एग्जांपल इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, ये दो टर्म्स मुझे पता है आपकी, बाकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसके लिए डिज़ाइन भी करनी होती है, किस तरह से करेंगे, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ड्यूरिंग द एग्जांपल देखेंगे, इसको समझेंगे। अभी होता है पैनल, हम देख लेंगे पैनल साइज आपको यहाँ पे गिवन है 4.5 मीटर बाय 6 मीटर। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग ड्रॉप, यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है हमें ड्रॉप, और कॉलम हेड भी यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर इन दोनों चीज़ों को नहीं दिया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा उसके बाद उसके उस एग्जांपल के अंदर हम ड्रॉप और कॉलम हेड दोनों को इंक्लूड करके उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ताकि दोनों तरह से आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम आपको दे रखा है 300 mm बाय 400 mm, और लाइव लोड गिवन है 4 kN/m² एंड फ्लोर फिनिश 1 kN/m². हाइट आपको कॉलम की गिवन है अबो और बिलो, स्लैब के ऊपर भी और स्लैब के नीचे भी जो कॉलम की हाइट है वो है 4 मीटर की। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा गया है कि M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कीजिए और Fe415 स्टील यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस और कुछ वैल्यू आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको इंटीरियर पैनल को डिज़ाइन करना है एक फ्लैट स्लैब के। ठीक है, अब किस तरह से डिज़ाइन करने हैं वो हम पहले देख लेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैनल किसे कहते हैं, ये डायमेंशन किस चीज़ का हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए एक यहाँ पे पिक्चर है, पैनल मतलब ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हो, एक रेक्टेंगुलर देख रहे हो, ठीक है, इसे हम कहेंगे एक पैनल। इसकी साइज़ आपको गिवन है 4.5 और 6। अब देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ हम फाइंड करेंगे ये डायमेंशन के अकॉर्डिंगली होगी, कि भाई इसमें लॉन्गर डायमेंशन क्या है, उसके अंदर हमें किस तरह से प्रोविज़न करना है, और शॉर्टर डायमेंशन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी है, ये हम सब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन करेंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर लॉन्गर डायमेंशन कौन सी है और शॉर्टर डायमेंशन कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो लॉजिक वाली, कि भाई जो शॉर्टर है, ठीक है, जो छोटी है साइड उसे हम कहेंगे शॉर्टर डायमेंशन, और जो बड़ी साइड है उसे हम कहेंगे लॉन्गर डायमेंशन। ठीक है, सिंपल, यहाँ में हमें शॉर्टर डायमेंशन 4.5 मीटर गिवन है, या फिर हम इसे mm में कह सकते हैं 4500, और जो लॉन्गर डायमेंशन यहाँ पे है वो है 6 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं इसे 6000 mm। ठीक है, सिंपल, और यहाँ पे जो आपको कॉलम की साइज गिवन है, ठीक है, कॉलम की यहाँ जो 300 बाय 400 mm गिवन है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, 300 उसकी डेप्थ है और 400 उसकी विड्थ है। सिंपल, तो ये डायमेंशनिंग हमने देख ली, क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन था, और हमें क्या करना है, हमें इंटीरियर पैनल को डिज़ाइन करना है। ठीक है, मतलब इस पैनल को डिज़ाइन करना है, इंटीरियर मतलब ये हुआ, ये हुआ, ये चार पैनल जो इसके अंदर इंटीरियर है। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने इस फिगर के अंदर बता रखे हैं, आप फिर आपके माइंड में एक सवाल होगा कई लोगों के, कि आपने इस तरह का फ्रेम ही क्यों लिया है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही पैनल्स रखो, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें कहा है इंटीरियर पैनल। इंटीरियर पैनल मतलब क्या, कि जो पैनल बीचों बीच होते हैं। अब यहाँ पर आप और एक रो भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आप और एक रो भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, हमें इंटीरियर पैनल ही मिल गया। इसे हम क्या कहेंगे, ये चार पैनल जो है, ठीक है, ये चार पैनल जो इंटीरियर पैनल है। ठीक है, इसलिए हमने ये क्या किया, एक बाउंड्री के तौर पर इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कि सॉल्यूशन क्या है इस एग्जांपल का, किस तरह से इसे सॉल्व करना है, डिज़ाइन किस तरह से की जाती है। तो स्टेप तो वही रहेगी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा हो तो देख लीजिए। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। तो पहला जो स्टेप होता है यहाँ पर इसको सॉल्व करने का, वो है कि स्लैब की थिकनेस आप पहले निकाल लीजिए।
मतलब डेप्थ ऑफ स्लैब क्या है, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ स्लैब आपको आईएएस कोड के अंदर, IS 456-2000 में आपको बताया नहीं शायद कि इसके अंदर हम IS 456-2000 यूज़ करेंगे, ठीक है कोड। तो उस कोड के अकॉर्डिंगली पेज नंबर आपको 53 के ऊपर फ्लैट स्लैब के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है कि फ्लैट स्लैब के अंदर आपको प्रोपोर्शनिंग किस तरह से करनी है, मतलब थिकनेस कितनी प्रोवाइड करनी है, ड्रॉप्स किस तरह से प्रोवाइड करने हैं, कॉलम हेड किस तरह से प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट किस तरह से निकालनी है, ये सारी चीज़ें आपको पेज नंबर 53 के ऊपर गिवन है, आप जाकर देख सकते हो। उसी के अंदर आपको वहाँ पर बताया गया है थिकनेस के अंदर 31.2.1 के अंदर कि आपको मिनिमम स्लैब थिकनेस जो होती है वो 125 रखनी है। कितनी रखनी है? मिनिमम 125 रखनी है। लेकिन लेकिन ये कब, अगर आपकी 125 से कम थिकनेस आ रही है तो। इससे पहले आपको और एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 37 के ऊपर आप जाकर देख सकते हो। पेज नंबर 37 के ऊपर आपको ये चीज़ गिवन है कि एल बाई डी जो इसकी डेप्थ ऑफ स्लैब जो होती है वो गवर्न होती है एल बाई डी रेशियो पर से, ठीक है, लॉन्गर स्पान रेशियो, लॉन्गर स्पान टू द डेप्थ। तो इस रेशियो के ऊपर से आपकी एल बाय मतलब डेप्थ ऑफ स्लैब जो आपकी हो गवर्न करती है। अब ये एल बाय डी रेशियो क्या है, किस तरह से लेना है, ये भी आपको आईएएस कोड के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पेज नंबर 37 पे, ठीक है, पेज नंबर 37 पे देख लीजिए। यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज पिक्चर दे रखा है जो कि आपको बता रहा है कि इसके अंदर कौन सी तीन कंडीशन है और उन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें एल बाय डी इज इक्वल टू कितना लेना है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो देखिए एल बाई डी जो है यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका स्लैब, आपका स्पान कौन सा है, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है या कंटिन्यूस है। अब आपके मन में और एक सवाल आएगा कि हम फ्लैट स्लैब कर रहे हैं तो फ्लैट स्लैब कौन सा होगा, तो आपको बता दूं कि फ्लैट स्लैब जो है एक मोनोलिथिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, और मोनोलिथिक कंपोनेंट चूंकि कंटिन्यूस होता है इसलिए हम कंटिन्यूस के हिसाब से ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे वैल्यू को। इसके लिए वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26। तो हम यहाँ क्या लेंगे, एल बाई डी इज इक्वल टू 26। अब ये एम एफ क्या है, एम एफ होता है मॉडिफिकेशन फैक्टर। अच्छा, मॉडिफिकेशन फैक्टर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, कहाँ से निकालते हैं इसकी वैल्यू को। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो आपके लिए यहाँ पे आईएएस कोड ने पेज नंबर 38 के ऊपर एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है, उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है इस ग्राफ के ऊपर से, हमने ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब किस तरह से, किस बेसिस पर निकालेंगे हम इस वैल्यू को, तो देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंशन, हम ये कह सकते हैं पीटी की वैल्यू जो है टेंशन के अंदर जो परसेंट रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है, उसी के अकॉर्डिंगली हम मॉडिफिकेशन फैक्टर को डिटरमाइन कर पाएंगे इस ग्राफ के ऊपर से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन हमें गिवन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है कि पीटी की वैल्यू को सिंपली एज्यूम कर लेना है। अब आप इसके 0.3 भी एज्यूम कर सकते हो, 0.5 भी कर सकते हो, 0.4 भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे किया है 0.4%। कितना किया है हमने यहाँ पे, 0.4% हमने यहाँ पे एज्यूम किया है पीटी की वैल्यू को, और इसके अकॉर्डिंगली हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड किया है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ आती है, ये ग्राफ जो आपको गिवन है एफ एस इज इक्वल टू, ये जो सारी वैल्यू आपको गिवन है ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए आपको बिल्कुल नीचे ग्राफ के नीचे बिल्कुल एक आपको फॉर्मूला गिवन है, एफ एस इज इक्वल टू 0.58 इंटू एफ वाई, ठीक है। एफ वाई क्या है, एफ वाई इज नथिंग बट द 415, ठीक है, स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ होती है ये Fe 415 जो है। तो ये 415 एफ वाई होता है यहाँ पे, और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली 0.58 से, तो आपको वैल्यू मिलेगी करीब करीब 240 के आसपास, ठीक है। तो 240 के ग्राफ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए ये 4 की यहाँ पे लाइन जा रही है, ठीक है, और ये 240 का ग्राफ यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ से हम यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे, ये जहाँ टच होगी उसकी वैल्यू हम एम एफ मान लेंगे। तो यहाँ पे 1.2 है तो हम अप्रोक्स यहाँ पे 1.3 ले लेते हैं, ठीक है, 1.3 हमारी एम एफ की वैल्यू मिल गई। ओके, अब इन सारी चीज़ों को हम एल बाई डी के अंदर रख देंगे। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज़ लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गर स्पान ऑफ द स्लैब दैट इज 6000 mm, डिवाइड बाई डी हमें पता नहीं है, डी हमें फाइंड आउट करना है, ये डेप्थ होती है, ठीक है। तो एम एफ की और एम एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे 1.3 रख दी, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डी की वैल्यू वो आ रही है 177.51 mm, ये क्या है, mm, ठीक है। तो इस तरह से हमें डी की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर कर देंगे और ओवरऑल डी प्रोवाइड कर देंगे जो कि हम 200 mm प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कितना प्रोवाइड किया हमने यहाँ पे, 200 mm ओवरऑल। अब हमें क्या करना है कि इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होगी। इफेक्टिव डेप्थ मतलब ओवरऑल नहीं होती, ओवरऑल जो थिकनेस होती है वो है
कैपिटल डी इफेक्टिव डेप्थ मतलब जितने जितनी डेप्थ वहाँ पे लोड कैरी करेगी जिसके अंदर हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, तो वो डेप्थ हमें निकालनी होगी। अब उस डेप्थ को किस तरह से निकाला जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट ओवरऑल डी, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ माइनस डायमीटर ऑफ बार डिवाइड बाई टू माइनस क्लियर कवर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपको ओवरऑल डी पता है, यहाँ पे डायमीटर कितना लेना है, तो डायमीटर हम जनरली यहाँ पे 10 mm कंसिडर करते हैं, कितना करते हैं 10 mm डाया बार, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 10 रख देंगे, ठीक है। और एक क्लियर कवर यहाँ पे स्लैब की अगर बात करें तो 20 mm, देखिए हर एक कंपोनेंट के अंदर क्लियर कवर वेरी होता है, तो हम स्लैब की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियर कवर रखना है 20 mm का, कितना रखना है हमें 20 mm का क्लियर कवर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे आ रही है वो है 175 mm। अब मैंने आपको कहा था कि हमें दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में ये चीज़ फाइंड करनी होगी, एक तो लॉन्गर डायमेंशन एज वेल एज शॉर्टर डायमेंशन, ठीक है। तो लॉन्गर डायरेक्शन की अगर बात करें तो क्योंकि हमने ये एल यहाँ पे जो ले रखा है ऑलरेडी लॉन्गर डायमेंशन का है, तो डी एल यहाँ पे होगा 175 mm, लेकिन शॉर्टर डायमेंशन की बात करें तो शॉर्टर डायमेंशन के अंदर हमें डायमीटर को यहाँ से माइनस करना होगा, ठीक है। तो 175 माइनस 10 डेट इज डायमीटर ऑफ बार इज इक्वल टू 165, तो हमें लॉन्गर डायमेंशन के अंदर जो इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, वो हमें पता चलेगा। देखिए ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ नहीं है, वरना काफ़ी लोग इसके अंदर भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर हम 175 mm थिकनेस रखेंगे और शॉर्टर डायमेंशन के अंदर हम 165 थिकनेस रखेंगे, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल। देखिए ये कोई ऐसी डेप्थ नहीं है जो आउट टू आउट आपको दिखेगी, ये अंदर की इफेक्टिव डेप्थ होती है जिसके अंदर हम रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर लोड कैरी वगैरह होते हैं, ठीक है। ये क्लियर कवर ये इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये इफेक्टिव डेप्थ होती है अंदर की, ठीक है। तो ये लॉन्गर डायमेंशन के अंदर 175 है और शॉर्टर डायमेंशन के अंदर 165 है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया अभी कि डेप्थ उसकी कैलकुलेट कर ली अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। अब स्टेप टू जो होता है हमारा, उसके अंदर हमने देखेंगे लोड कैलकुलेशन किस तरह से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो लोड इज़ मस्ट, ठीक है, हमें लोड पता होना चाहिए, उसी के बेस पर हम फर्दर इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। तो लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोड है और कितने लोड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लोड होगा सेल्फ वेट कितना है स्लैब का, तो स्लैब का सेल्फ वेट किस तरह से होगा, तो उसकी जो ओवरऑल डेप्थ होती है वो मतलब थिकनेस, ठीक है, ओवरऑल थिकनेस जो है उसकी वो 200 mm पता है हमें, ठीक है, हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, इनटू 25 जो है कंक्रीट की डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे उसका डेड लोड जो है वो उसके ऊपर जो फ्लोर फिनिश है, ठीक है, उसके ऊपर फ्लोर फिनिश नहीं, उसके ऊपर जो सेल्फ वेट होता है स्लैब का वो है 5 kN/m², और फ्लोर फिनिश जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 1, और लाइव लोड भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4। तो टोटल इस तरह से जो लोड आ रहा है वो आ रहा है 10 kN/m², ओके। इसको हम अगर फैक्टर कर ले सेफ्टी के साथ तो ये 1.5 × 10 हो जाएगा, मतलब 15 kN/m², ये लोड फैक्टर्ड हो चुका है, ठीक है। अब इनमें से हमें निकालना होगा कि डेड लोड कितना है और लाइव लोड कितना है। तो देखिए सेल्फ वेट भी एक डेड लोड है और फ्लोर फिनिश भी एक डेड लोड है, ठीक है, ये मूव नहीं होते, तो यहाँ पे डेड लोड के अंदर कंसीडर किए जाएंगे जो कि 6 kN/m² आ रहा है, और अगर लाइव लोड की बात करें तो वो हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 4 kN/m², ठीक है। तो ये हमने क्या किए, इसके अंदर जो लोड आ रहे थे वो हमने निकाल लिए कि डेड लोड कितना है और लाइव लोड कितना है। अब जो थर्ड स्टेप हमारा होगा वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टीफनेस एंड अल्फा सी। स्टीफनेस क्या है, अल्फा सी क्यों फाइंड करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे कि लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर किस तरह से फाइंड करते हैं और शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर किस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है। देखिए लॉन्गर डायरेक्शन की अगर बात करूँ मैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे बंदों को प्रॉब्लम होगी कि लॉन्गर डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू लेनी है, शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हम अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम स्लैब की बात करें, स्टीफनेस फ्लेक्सर स्टीफनेस अगर स्लैब की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Ks इज इक्वल टू 4 × E × I/L, ठीक है, सिंपल 4EI/L ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपको 4E और I, यहाँ पे I जो होता है, I इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैब। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैब क्या है और किस तरह से निकालना है ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे के एस इज इक्वल टू 4 × E, हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इंटू 4500। अब अगर स्लैब की बात करें हम, ठीक है, हम अगर स्लैब की बात करें देखिए, तो हम लॉन्गर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं लॉन्गर डायरेक्शन, मतलब हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो, ये लेंथ हो गई इसकी, ये क्या हो गई, ये लेंथ हो गई, और हमें BD³/12 होता है, B मतलब विड्थ होती है, ठीक है, तो विड्थ ये हो जाएगी इसकी,
इसे हम कहेंगे विथ, ठीक है। तो ये कितनी है 4500, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारे बंदे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर गलती कर बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये लेंथ नहीं लेना है, यहाँ पे आपको विथ लेना है। साफ साफ हमें क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला है वही आपको बता रहा है कि भाई बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व, बी डी मतलब बी मतलब विथ होती है ना कि लेंथ, और ये होती है लेंथ स्लैब की। जिस डायरेक्शन के अंदर आप इसको पकड़ रहे हो, इसको सॉल्व कर रहे हो, वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसकी विथ हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो करना क्या है आपको, 4500 इनटू, ये तो आपको पता ही है डेप्थ हमारे स्लैब की, तो ये क्यूब डिवाइड बाय 12, और ये लेंथ देखिए लेंथ है 6000 mm, ठीक है, ये लेंथ हो गई इसकी, सिंपल। तो इस तरह से आपको के एस की वैल्यू निकाल लेनी है ई के फॉर्म में, वो है 2 × 10⁶। हमने इसको इसलिए ऐसे रहने दिया क्योंकि दूसरे कॉलम के अंदर भी ये इसी तरह से कॉन्स्टेंट रहेगी और फिर उसके ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। देख लेते आगे हम उसको। अब कॉलम की बात करें अगर, तो कॉलम के अंदर स्टीफनेस किस तरह से निकाली जाती है, तो फॉर्मूला तो वही होगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। दैट इज कॉलम के लिए आपको पता है यहाँ पे कि 300 और 400 किस तरह से लेना है, बी डी क्यूब बाई 12, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ होगी आपको पता, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ऊपर और नीचे 4 मीटर गिवन है, मतलब ये 4000 mm हो गया, ठीक है। इस तरह से 1.6 × 10⁶ ई आ गया हमारे पास कॉलम का स्टिफनेस। अब इसको हम क्या करेंगे, अल्फा सी फाइंड करेंगे। अल्फा सी का फॉर्मूला आपको गिवन है आई एस कोड के अंदर, ठीक है। आई एस कोड के अंदर आपको अल्फा सी का फॉर्मूला क्यों जिस तरह से गिवन है, डेट इज समेशन ऑफ के सी डिवाइड बाई समेशन ऑफ के एस। के सी मतलब कॉलम के लिए और के एस मतलब स्लैब के लिए। समेशन क्यों दे रखा है, समेशन क्यों दे रखा है, ठीक है। समेशन इसलिए दे रखा है कि ये जितने भी यहाँ पे साइड्स है, ये एक साइड है, ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी साइड है, ठीक है। तो इन सबको आप इन सबको क्या करना होगा, आपको समेशन करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू टू कर देते हैं, 1.6 × 10⁶। सिमिलरली हम स्लैब के लिए भी 2 × 10⁶ डिवाइड बाई इंटू ई, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो अल्फा सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.8, ये है कैलकुलेटेड, माइंड इट, ठीक है, रिमेंबर इट। ये अल्फा सी की वैल्यू जो है 0.8 आ रही है कैलकुलेटेड, इसकी वैल्यू हमें आगे फर्दर काम लगेगी पैटर्न लोडिंग के अंदर, ठीक है। अगर पैटर्न लोडिंग सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्फा सी की, लेकिन अगर हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ी पैटर्न लोडिंग, ठीक है, तो उसके अंदर हमें डेफिनेटली अल्फा सी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं लॉन्गर डायरेक्शन की, सॉरी शॉर्टर डायरेक्शन के बारे में। हमने अभी देख लिया लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, वही फॉर्मूले है, आपको सिर्फ वैल्यू बदलनी है। किस तरह से देखिए, हम यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ ये हो जाएगी 4500 और विड्थ यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6000 mm। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, बाकी इसके अंदर नया कुछ नहीं है, वही सारी वैल्यू है, वही सारे फंडामेंटल है, ठीक है। तो इसने आपको, और हाँ कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम के अंदर जो डेप्थ थी वो विड्थ हो जाएगी, और जो विड्थ थी वो डेप्थ हो जाएगी, बाकी उसकी जो लेंथ है वो तो एज इट इज़ वही रहेगी, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जो अल्फा सी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.2454, ये कैलकुलेटेड है, ठीक है। दो तरह से हमने अल्फा सी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, एक तो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर, सेम एज शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पैटर्न लोडिंग के लिए चेक करेंगे। आपको आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 56 के ऊपर गिवन है इस चीज़ के बारे में कि इसकी वैल्यू जो पैटर्न लोडिंग आप करोगे इफेक्ट इसका, तो इसका लाइव लोड बाय डेड लोड रेशियो जो है वो 0.5 से कम आना चाहिए। अगर कम आए तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इज़ वेल है यहाँ पे। लेकिन अगर लाइव लोड बाय डेड लोड का रेशियो अगर 0.5 से एक्सीड कर रहा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पैटर्न लोडिंग का लिए चेक करना होगा। अब वो किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे केस के अंदर क्या है, लाइव लोड बाय डेड लोड, लाइव लोड 4 है, डेड लोड 6 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0.66 या फिर 0.7 हम कह सकते हैं इसको, ये जो कि बड़ा है 0.5 से। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि पैटर्न लोडिंग के लिए चेक करना होगा। अब पैटर्न लोडिंग के लिए किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था पैटर्न लोडिंग क्यों चेक करते हैं, क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर रखा था। अब देखिए चेक करना है तो ये भी यहाँ पे दो डायरेक्शन के अंदर करना होगा, एक तो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर भी एज वेल एज शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर भी आपको चेक करना होगा। किस तरह से चेक करना है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं करना है। देखिए बहुत और सिंपल और आसान तरीके से आपको सब बता रहा हूँ मैं, समझ लीजिए ध्यान से इसको। देख लीजिए अगर आपको लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर चेक करना है तो लॉन्गर डायरेक्शन में सबसे पहले आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा और दो चीज़ों के ऊपर से आपको अल्फा सी मिनिमम यहाँ पे निकालना होगा। क्या करना होगा, अल्फा सी मिनिमम आपको टेबल नंबर 17 के अंदर अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू गिवन है आईएस कोड के अंदर, ठीक है, पेज नंबर 56 के ऊपर।
आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आपके पास आईएस कोड अभी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले L2/L1 का रेशियो ले लीजिए। अब यहाँ पे L1 क्या है और L2 क्या है, हम क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर भी करेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, वहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, तो किस तरह से वैल्यू लेनी है L2 की और L1 की। तो देखिए एक सिंपल चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हम जिस डायरेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे लॉन्गर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो L1 की वैल्यू उसी तरह से लेनी होती है। मान लीजिए हम L1 की मान लीजिए हम लॉन्गर डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे L1 की वैल्यू 6000 होगी। अगर हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे L1 की वैल्यू फिर 6000 नहीं रहेगी, यहाँ पे 4500 हो जाएगी। रिमेंबर इट, ये बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने का और यही कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर हम लॉन्गर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो L1 का मतलब क्या होता है, वर्किंग डायरेक्शन, लेंथ ऑफ वर्किंग डायरेक्शन, ठीक है। वर्किंग डायरेक्शन मतलब क्या, जिस डायरेक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और यहाँ पे हम लॉन्गर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे L1 की वैल्यू 6000 होगी, अगर हम शॉर्टर के लिए करेंगे तो यहाँ पे L1 की वैल्यू 4500 होगी, ठीक है। इस तरह से वैल्यू वेरी होगी। तो चलिए यहाँ पे L2/L1 का रेशियो लेते हैं, वो आ रहा है हमारे पास 0.75। तो हमें 0.75 के लिए अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद लाइव लोड बाय डेड लोड या फिर इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं WL/WD, ठीक है। WL/WD का रेशियो यहाँ पे जो है वो 4:6, ये लाइव लोड बाय डेड लोड का रेशियो जो कि ये 0.67 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी हमें अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू निकालनी होगी, और फिर इन दोनों के अकॉर्डिंगली जो कम से कम वाली वैल्यू होगी अल्फा सी मिनिमम की, वो उस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से अल्फा की, ठीक है। अल्फा की जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी अल्फा सी की, उसके साथ हमें इसे कंपेयर करना होगा। अब वो किस तरह से करेंगे हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, कि आपको आपने पहले ये दो रेशियो निकाल लिए यहाँ पे, एक तो L2/L1 का और WL/WD का रेशियो आपने निकाल लिया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि WL/WD अगर 0.5 है, देखिए यहां पे ओके, WL/WD की रेशियो यहां पे 0.5 है, तब यहां पे अल्फा सी मिनिमम कितना है, जीरो। सिंपल दो चीजें पता चल गई आपको। L2/L1 का रेशियो अगर देखें हम यहां पे कि L2/L1 का रेशियो कितना है, तो L2/L1 का रेशियो 0.75 है। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूँ मैं कि 0.75 मतलब कहाँ है, 0.75 होगा हमारा 0.5 या 0.8 के बीच में, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो WL/WD की रेशियो है यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे थ्रू आउट अप टू सम वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे L2/L1 जो है यहाँ पे 0.75 है, तो 0.75 के अकॉर्डिंगली हमें अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब 0.75 जो है 0.5 और 0.8 के बीच में आता है, ठीक है, 0.5 और 0.8 के बीच में 0.75 की वैल्यू है, तो हमें करना क्या होगा इसके अंदर, इंटरपोलेशन करना होगा। किस तरह से करेंगे, देखिए 0.5 के ऊपर 0.6 है, ओके, 0.5 के ऊपर क्या है 0.6 है, और 0.8 के ऊपर कितना है 0.7 है, ठीक है। इन दोनों को आपके आपने यहाँ पर ले लेना है, उसके बाद आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या होगा, 8-5 मतलब 0.3 हो गया, ठीक है, और ये 6-7-6 मतलब 1 हो गया, ठीक है, 0.1। इस तरह से हमने क्या किया कि इस टेबल के अंदर दोनों डिफरेंस लग लिए। अब क्या करेंगे हम कि जिस वैल्यू के लिए हमें अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर से हम यहाँ पे इस इनिशियल वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब 0.5, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 0.75-0.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 0.25, ओके। मतलब क्या है कि हमें 0.25 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। अब वो किस तरह से निकालेंगे, तो बस उसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ और डिवाइड कीजिए इसके 0.3 के साथ, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.083, सिंपल, ओके। आपने क्या करना है, क्योंकि आपने इसमें से माइनस किया था तो इसको प्लस करना होगा, ठीक है, तो ये 0.6+0.83, तो अल्फा सी मिनिमम 0.683 आ रहा है, किसके लिए, L2/L1 0.75 के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है किससे, हमारी अल्फा से, आप आपको बताऊंगा मैं पीछे किस तरह से हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे इतना देखिए कि अल्फा सी मिनिमम L2/L1 के रेशियो के लिए कितना आ रहा है 0.683। अभी हम WL/WD के लिए निकालेंगे अल्फा सी की वैल्यू, ठीक है, मिनिमम की वैल्यू। देखिए WL/WD 0.67 है, ठीक है, हमारे पास जो हमने इनिशियल निकाला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये WL/WD है ये कितना है 0.67। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें अल्फा सी मिनिमम निकालना है,
और एल टू बाई एल वन का रेशियो भी हमने निकाला था पहले ही से 0.75 है। अब क्या होगा कि आप सेम एज एक टेबल बना सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कॉलम रो बना के, डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी 0.5 है तो अल्फा सी की वैल्यू कितनी है, मिनिमम 0 है, ठीक है। और डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी 1 है मतलब अल्फा सी की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 0.683, ठीक है, यही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा सी जो डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी था, देखिए यहाँ पे 1 था और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 0.683 आ रही है, ठीक है, सिंपल। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें ज़रूरत है 0.67 की। 0.67 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों रेशियो लिए हैं। तो 0.67 के लिए निकालनी है अगर, तो क्या करना होगा, सिंपली इन दोनों का पहले आप क्या कीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है, मतलब 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, और ये तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा 0.683। उसके बाद क्या कीजिए कि 0.67 और या फिर हम कह सकते हैं 0.5 माइनस 0.67 मतलब 0.17 यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.232 आ जाएगा, प्लस 0 कर दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू 0.232। हमने दो अल्फा सी मिनिमम निकाले यहाँ पे, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर हमने दो अल्फा सी मिनिमम निकाले, उसके अंदर से ये सबसे कम है, ये छोटी अल्फा सी, तो हमें इसे कंसिडर करना है, इसे हमें सेलेक्ट करना है और इसे कंपेयर करना है हमारी अल्फा सी कैलकुलेटेड से, ठीक है। तो अल्फा सी कैलकुलेटेड फॉर लॉन्गर डायरेक्शन कितनी है, 0.8, कितना है 0.8 है, और यहाँ पे जो अल्फा सी मिनिमम जो हमें अभी कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है, 0.232, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटेड इससे ज़्यादा है, तो आईएस कोड कहता है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड अल्फा सी मिनिमम से ज़्यादा है तो यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आईएस कोड का ये कहना है, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है तो आपको करेक्शन करना होगा, उसके करेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला क्या गिवन है ये भी हम देखेंगे। हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे के सारे केसेस कवर कर रखे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सारे चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर देख लिया कि करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब शॉर्टर डायरेक्शन बाकी है। शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर किस तरह से करना है, देखिए वहाँ पे भी प्रोसीजर सेम रहेगी। शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन कहाँ होगा, काफ़ी सारे बंदे इस L1 और L2 की वैल्यू के अंदर प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए कि L1 और L2 की रेशियो यहाँ पे कितनी लेनी, मैंने आपको बताया था L1 मतलब के वर्किंग डायरेक्शन, वर्किंग डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं वो L1 होता है, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन के लिए फाइंड कर ले, मतलब शॉर्टर डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा L1 दैट इज 4500, सिंपल। तो अब यहाँ पे इसका रेशियो जो है कितना होगा, 1.333, और जो डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी वो तो सेम ही रहेगा 4/6 डेट इज 0.67। तो हमने ये दो रेशियो पहले निकाल ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीन चीज़ों के ऊपर और काम करेंगे, दैट इज डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी 0.5 है तो अल्फा सी की वैल्यू, अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड के लिए L2 बाई L1 की रेशियो जो यहाँ पे 1.33 आ रहा है उसके लिए डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी कितना होगा। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको पता चलेगा ग्राफ टेबल के अंदर के अल्फा सी की वैल्यू 0.5 से लेके 2 तक 1 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू L2 बाई L1 की ले लूँ तो यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी कितना होगा, 1 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो देखिए 1.33 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब 1.33 कहाँ आता है, दैट इज 1.25 और 2 के बीच में 1.33 की वैल्यू आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इस वैल्यू के लिए हमें निकालना है अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर 1.33 के लिए अल्फा सी की मिनिमम कितनी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो अल्फा सी मिनिमम कहाँ, सॉरी 1.33 कहाँ होता है, 1.25 या फिर 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1.25 के लिए अल्फा सी मिनिमम 0.8 है और 2 के लिए अल्फा सी मिनिमम 1.2 है, ये सारी हमने चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, बस वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे फिर से फॉलो करनी है। उसके बाद अल्फा सी मिनिमम जो आपको मिलेगा वो 0.844 मिलेगा, कितना मिलेगा 0.844। ये अभी L2 बाई L1 के लिए निकाला हमने अल्फा सी मिनिमम, सेम एज हम डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू डी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको फाइंड करें, इसको निकालें, हम वही प्रोसीजर में फॉलो करनी है, ठीक है। अगर रिपीट करूंगा तो खामखा टाइम बढ़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अल्फा सी की वैल्यू, अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली आ रही है 0.285। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पे 0.84 है और यहाँ पे 0.285 है, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 0.285। हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे कैलकुलेटेड से इन शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर जो अल्फा सी कैलकुलेटेड थी उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, रिमेंबर इट। तो जो कैलकुलेटेड थी हमारी यहाँ पर वो थी 0.5254 और जो यहाँ पे आ रही है अल्फा सी मिनिमम जो होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे है
0.285, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, IS कोड के अकॉर्डिंगली करेक्शन अप्लाई करना होगा, ठीक है, करेक्शन पैटर्न लोडिंग के लिए अप्लाई करना होगा। अब करेक्शन किस तरह से करना है, इसकी वैल्यू, इसकी जो प्रोविजन है आपको IS कोड के अंदर गिवन है पेज नंबर 56 के ऊपर, ठीक है। अगर आप जाओगे वहाँ पर तो बीटा एस इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको वहाँ पर गिवन है, उस फॉर्मूले के अंदर सिंपली आप वैल्यू रख दिए और आपको करेक्शन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से रखना है, देखिए सारी चीज़ें हमें पता ही है, तो यहाँ पर कोई चीज़ नई नहीं है। ये है WD/WL, हमने WL/WD का रेशियो निकाला था जो कि 0.67 आ रहा था या 4/6 हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे WD/WL निकालना है, तो ये कितना होगा 6/4, ठीक है, जो कि 1.5 होता है। और यहाँ पे सेम चीज़ है दो नीचे भी, बस अल्फा सी। अब ये अल्फा सी आपको लॉन्गर के लेना है या शॉर्टर के लेना है, ये भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो आपको अल्फा सी की वैल्यू भी कौन सी लेनी होगी, शॉर्टर डायरेक्शन वाली जो हमने कैलकुलेट की थी वो, और अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू जो हमने शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर बाद में कैलकुलेट की वो अभी अभी जस्ट, ठीक है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली इसको अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन जो करें वो कैलकुलेटर के अंदर, उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1+0.01, ठीक है। ओवरऑल अगर कहूँ मैं इसको, 1.01 आपके यहाँ पे वैल्यू आएगी बीटा एस की। इसका मतलब क्या है कि आपको 1.01 या फिर 1% जितना यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन कहाँ ये कहाँ रिक्वायर्ड है, तो जब हम शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के अंदर आपको 1% करेक्शन करना होगा। इसका मतलब क्या, जो भी आप वहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपको 1.01 मल्टीप्लाई कर देना होगा शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर, रिमेंबर इट, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉब्लम करेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर। तो शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर जब भी हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर हमें 1.01 मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। इस तरह से हम करेक्शन को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे बाकी रहेंगे वो रहेंगे टोटल डिजाइन मोमेंट, उसके बाद हम देखेंगे रेनफोर्समेंट लॉन्गर डायरेक्शन में एज वेल एज शॉर्टर डायरेक्शन में, उसके बाद हम टू वे शेयर चेक करेंगे अगर टू वे शेयर के अंदर हमारा एग्जांपल या फिर हमारा स्लैब अगर ओके है तो फिर आगे हम ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर हम डिजाइन भी कर लेंगे शियर रेइंफोर्समेंट को, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप थे बेसिक जो हमने आज कैलकुलेट किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आने वाला वीडियो हमारा उसके अंदर हम ये बाकी के चार स्टेप्स को कंसिडर कर लेंगे। और अगर आपने अब तक, फिर भी आपको कह दूं मैं कि अगर आपने अब तक टेक्निकल सीरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले, ओके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय रेगुलर अपडेट। थैंक यू।